ओम शांति और आपको स्वागत है आपके 25 मई के ईश्वरवरदान में हमारी ब्लेसिंग्स का ये चैनल, जहाँ पर हम परमपिता परमात्मा द्वारा दी हुई शिक्षाएँ हम सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं। अगर आप इसको सुन करके भूल जाते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको सुन करके सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, हाँ मैं कहाँ कहाँ इसको परिवर्तन करूँ, किस किस के साथ में मैं इस ज्ञान को अप्लाई करूँ, कौन मेरा साथी है, कौन मेरा संबंधी है जिसको मैं जिस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ अभी तक वो ठीक नहीं है, लेकिन परमात्मा ने मुझे कहा है ये करने के लिए, ट्राई करने के लिए, मैं क्यों ना करूँ इसको ट्राई एक बारी। तो आज भी परमात्मा ऐसी कोई चीज़ बताते हैं जिसको अगर हम ट्राई करें अपने लाइफ में तो बहुत चेंजेस आएंगे। तो देखें बाबा कहते क्या हैं। परमात्मा कहते हैं, सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी बाबा। तो हम सेवा करते हैं, किसी को हम हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, फिजिकल हेल्प करते हैं, कभी पैसे से करते हैं, कभी घर में किसी को मदद कर दी, हस्बैंड ने वाइफ को मदद कर दी, वाइफ ने हस्बैंड को मदद कर दी, किसी फ्रेंड ने किसी को मदद कर दी, हमने फिजिकल तरीके से हेल्प करी, लेकिन अगर हमारे अंदर भाव ये रहे ओहो क्या गलती करता रहता है ये इंसान, इसको बाद में मुझे मदद करनी पड़ती है, ये इंसान तो बिल्कुल नालायक है, समझदार ही नहीं है, इसको कितना समझाया जाए तब भी समझता नहीं है, ये हुआ अंजलि नहीं देना। तो इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है। अगर एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है, एक पिता अपने बच्चे को समझा रहे ऐसा ना करो ऐसा ना करो, और बाद में ये वो जाता है करने के लिए और सोचते हैं ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है, इसको जितना भी समझाओ इसकी बुद्धि हमेशा लॉक रहेगी, इसके सामने भगवान भी आ जाए ना तो तब भी इसकी बुद्धि नहीं खोल पाएंगे। ऐसे अगर हम बद्दुआएँ देते हैं, परमात्मा कहते हैं आपने कहा शिक्षा तो दी उसको बच्चे ऐसे मत करना, और साथ में उसको बद्दुआएँ दे दी, उसको ताकत ही नहीं दी आपने, तो वो कैसे परिवर्तन होगा, इसलिए ये आदत को चेंज करो। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। ब्राह्मण मतलब कौन, जो ब्रह्म को फॉलो करते हैं, ब्रह्म कौन, जो एडम है, परमात्मा की पहली रचना पवित्र है, इसलिए पहली रचना के मन में कभी किसी सारी दुनिया की आत्मा है, क्योंकि जो एडम हुए जो ब्रह्मा हुए प्रजा के पिता हुए, हम सबके पिता हुए, वो अगर हमारे बारे में अपवित्र सोचेंगे तो आज दुनिया की क्या हालत हो जाती, सोच लिया आप जरा। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो, लड़का और लड़की हो, जो भी हो आत्माएं हो, तुम कभी किसी के बारे में बुरा सोच नहीं सकते हो। तो परमात्मा कहते हैं ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा, कहाँ भी रहते, जैसे मैं दार्जिलिंग में रह रहा हूँ, कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, मतलब और के बारे में गुड विशेस रखो, गुड फीलिंग्स रखो और के बारे में, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो, कभी कभी कहते ना ये तो बच्चा मेरा रावण जैसा है, इसको कोई सुधार नहीं सकता, मेरा पति रावण जैसा है, इसको जितना बोलो ये उल्टा ही काम करता है, हमेशा गलती करता है। परमात्मा कहते हैं किसी को रावण मत कहना वैसे, लेकिन किसी के अंदर ऐसे गंदे संस्कार हो, अपवित्र संस्कार हो, अपवित्र सोच भी हो, तब भी कोई आपको गाली भी दे तो ये रावण के संस्कार हो गए, तो भी आप उन्हें अपने खजाने से, खजाने क्या है, परमात्मा हमें सुख दिया है, शांति दी है, हमें किसी से प्रेम की इच्छा नहीं, किसी से नाम मान शान की इच्छा नहीं है, इसलिए हम हर एक के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर अगर इच्छा होती है मेरे से प्यार से बात करें, मुझे अच्छे से बात करें, मुझे रिस्पेक्ट दें, और वो थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट ना दे तो अंदर से क्या आता है, क्रोध आता है, गुड विशेज़ नहीं रहती हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमारे अंदर गुड विशेज़ होनी ज़रूरी है। तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि ज़रूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। और आप ट्राई कर लीजिएगा, आप ऐसे शुभ भावना शुभ कामना रखिएगा, चाहे बच्चों के लिए चाहे स्पाउस के लिए, और कुछ दिन में कुछ महीनों में कुछ सालों में के अंदर परिवर्तन आएगा, लेकिन पेशेंस चाहिए। और इसको करना कैसे, इसके लिए आपको और भी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो कि ब्रह्मा कुमारी में आकर सीख सकते हैं। इसके साथ आपका दिन शुभ, ओम शांति।